कादीपुर संविदा विद्युत कर्मियों का जोरदार धरना। मेरा बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मैं आपको पहले सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ, निविदा संविदा कर्मचारी संघ से मध्यांचल संगठन मंत्री शेषनाथ पांडे बोल रहा हूँ। हमारी ये मांगे हैं कि आए दिन हम लोग वेतन को लेकर के हमेशा पीड़ित रहते हैं, गुहार लगाते हैं, कितनी बार लेटर रिसीव कराते हैं तभी जाके हमको वेतन मिल पाता है। इसी कड़ी में अब भी दिसंबर से जनवरी माह दो महीने बीत गया है, प्लस 10 माह का ईपीएफ अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं जमा किया गया है। ये बहुत बड़ा घोटाला होने की आशंका है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज से ही कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिए हैं। ये पूर्व नोटिस के तहत हुआ है, अधीक्षण अभियंता सुल्तानपुर को 20 तारीख को नोटिस दी गई थी और 23 तारीख तक उनको अवगत कराया गया था। सर, जितनी भी मांगे हमारी अगर नहीं पूर्ण की जाती हैं तो हम लोग 24 से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर देंगे पूरे जिले में। और ये जो कार्यदायी संस्था ओरियन है यहाँ पे चल रही है, वह अभी पूर्वांचल में बहुत बड़ा घोटाला की है, उसके बाद वहाँ से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहाँ संविदा कर्मचारियों के 8 से 10 माह का पीएफ को लेके वो जो है भग गई है। इसी कार्यक्रम को लेके हम लोग यहाँ धरने स्थल बैठे हैं और जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी हो जाती है, जो बकाया वेतन है प्लस जो ईपीएफ कंपनी द्वारा नहीं भुगतान किया गया है, जब तक नहीं ये कर देते हैं तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पे बैठे रहेंगे संपूर्ण रूप से। और जो भी विद्युत आपूर्ति बाधित होगी इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी और विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर गिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें।